प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के थाना जहांगीरपुर क्षेत्र शाहपुर कलाम निवासी वनवारी लाला सक्सेना अपनी पत्नी सुमन सक्सेना को बुधवार को बुलंदशहर से अपने ससुराल जनपद एटा के थाना निधौली कलाम क्षेत्र के गांव मगरौली जा रहे थे। जैसे ही दोनों पति पत्नी जनपद हाथरस के थाना कोतवाली सिकंदरा राव क्षेत्र के पोरा टेम्पो स्टैंड जाकर एटा जाने के लिए इंतजार कर रहे थे, इसी बीच सात से ठग गिरोह के सदस्य अपनी फोर व्हीलर को लेकर पहुंच गए और पति पत्नी को एटा ले जाने के लिए गाड़ी में बैठा लिया। टेम्पो स्टैंड से थोड़ी दूर चलते ही साथी ठगों ने वाहन चेकिंग के नाम पर महिला से अपने सोने चांदी के आभूषणों पर्स में रखने के लिए कहा। जैसे ही ठग गाड़ी को लेकर एटा रोड स्थित मुगलगढ़ी मोड़ पर पहुंचे तो साथी ठगों ने पति पत्नी को गाड़ी में खराबी होने की बात कहते हुए गाड़ी से नीचे उतार दिया और साथी ठग महिला का पर्स लेकर मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने मामले में जांच करते हुए ठगों की तलाश शुरू कर दी है। कैसे ऐसे हमारी घरवाली से कह तुम जो है अपने पैसे को चीजों को उतार करके अपने पास में रख लो, ऐसा है मेरा सामान चेक हो तो वो जो है उतार के अपने बैग में रख ली। उसके साथ में जो उनके पास में बैठा था वो दूसरा था और ये हमें करीब जाते 2-3 किलोमीटर ले जाके सिकंदरा से और उसने हमको वैग को उतार दिया कि मैं जो है चीज को चेक कराऊंगा। क्या क्या सामान लगे उसमें? दो एक पेंडल, दो जाले और पर्स में पैसा थे। दो मेरा सुमन लता सक्सेना, पति का नाम क्या है? बनवारीलाल सक्सेना। क्या बात हो गई? मेरी भैया अब चीज ले ली सब हम पैसे। क्या बात हो गई? मेरी जा रही वाले करके चीज उतरवा ली सब। कहाँ से आ रही थी आप? मैं आ रही गाजियाबाद से। कहाँ जा रही थी? मगरौली। क्या क्या ले गए आपका? झुमकी, पेंडल और वो कंठी, दो अंगूठी। किसी गाड़ी वाले ने इनसे कहा चलने के लिए और ये तैयार हो गए चलने के लिए। रास्ते में उसने इनको बरगलाया और बरगला के इनसे कहा कि आप अपने जेवर मुझे दे दीजिए, मैं संभाल के रख लूंगा। जिसमें इन्होंने अपने जेवर उतार के दे दिए। सुमन लता सक्सेना नाम है इनका। ये पूरा जा रही थी और जब उन्होंने उसको जेवर दे दिए तो बैग लेके वो गायब हो गया। सर महिला ये तो बता रही थी कि हम लोग पुलिस वाले चेक करेंगे अपना सामान उतार करके। उसने चेकिंग का बहाना लेकर के इनके जेवर ले लिए।